अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हनुमानसा शहजादी, गौहर पब्लिशर्स में खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज मैथ प्ले ग्रुप पढ़ रहे हैं और आज हम सीखेंगे नंबर 13। तो प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ मेरे हाथ में ये क्या है? जी, ये एक फ्लैश कार्ड है और इस फ्लैश कार्ड के ऊपर इतनी ज़्यादा सारी फिश बनी हुई हैं। जी, ये है फिश। फिश को हम काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यस, ये 13 फिश हैं। 13 फिश। दोबारा हम मिलके काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये 13 फिश हैं। आपको पता है 13 लिखा हुआ कैसा होता है? यस, बिल्कुल ऐसा। ये है 13। 1, 3। यस, इसको मिला के लिखेंगे तो क्या होगा? 13। अब हम अपने पेज की तरफ आते हैं। यहाँ पर हम इसको काउंट करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? 13। और इस तरफ कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हैं, स्टार्स बने हुए हैं। इन स्टार्स को हम काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13। Very good। ये 13 stars हैं। Stars हैं। 13 stars। 13 stars। Very good। Okay। आप सबको पता है ये 13 लिखा हुआ है। नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर 13 लिखा हुआ है और यहाँ पर हमें 13 को 13 के साथ मैच करना है। तो यहाँ पर लिखा है ऊपर वाली रो में भी और नीचे भी हम देखेंगे। ये है 13 और इसको हम मैच करेंगे 13 के साथ। और ये है 13, इस 13 को इस 13 के साथ मैच कर देंगे। ये है 13। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, से द नंबर 13 अगेन एंड अगेन टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न द नंबर। आप अपने बच्चों के सामने बार बार 13 को रिपीट करेंगे ताकि बच्चे इसको अच्छे तरीके से जान सकें, समझ सकें, पहचान सकें और आपके साथ मिलकर पढ़ सकें। राइट नंबर 13 विद अ फिंगर इन द एयर। जैसे मैंने आपके सामने हवा में 13 लिखने की प्रैक्टिस बच्चों के सामने की है ताकि बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि 13 लिखा कैसे जाता है। जब हम बच्चों को ये प्रैक्टिस करवा देंगे तो हम मज़ीद लिखने की तरफ चलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं मज़ीद राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ। अब हम स्लेट के ऊपर 13 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। एक डॉट ऊपर, एक नीचे। ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा, ये एंडिंग पॉइंट होगा। हम एक स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, राइट? ये हमारा 1 और अब हम 2 कर्व्स बनाएंगे ऐसे। 13, राइट? इसके आप 3 डॉट्स भी लगा के बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि एक कर्व को इसके साथ मिलाना है, दूसरे कर्व को इसके साथ मिलाना है। एरोस के जरिए भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं, राइट? तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा है स्लेट के ऊपर 13 लिखना। अब हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर बच्चों को 13 लिखना सिखाएंगे। एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। हम ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रेट हम लाइन लगाएंगे जिसको हम स्टैंडिंग लाइन कहेंगे और यहाँ पर हम 3 डॉट्स लगा के छोटे छोटे कर्व्स बनाते हुए इनको आपस में मिलाते जाएंगे। इस तरह से हम 3 लिखेंगे, राइट? ये हमारा 13। इसी तरह से हम ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट लाइन और यहाँ से छोटे कर्व्स को आपस में मिलाते हुए 13।
अब हम 13 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। एक स्टार्टिंग पॉइंट, ऊपर से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन, इसके साथ हम 3 डॉट्स लगाएंगे और छोटे छोटे कर्व्स के साथ इसको मिलाएंगे। 13। अब हम यहाँ पर 13 को ट्रेस करना सीखेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये नीचे एक स्ट्रेट लाइन जिसको हम स्टैंडिंग लाइन कहेंगे और यहाँ पर कर्व्स बनाते हुए 13 लिखेंगे। ऐसे डॉट्स को आपस में मिलाते हुए 13। थर्टीन डॉट्स को आपस में मिलाते हुए राइट फॉर्मेशन का ख्याल रखते हैं और हमेशा हम फॉलो करते हैं उस डायरेक्शन को जिस डायरेक्शन को हमें टीचर ने गाइड किया है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को देखते हुए। इसी तरह से हम पूरे पेज को कंप्लीट करेंगे। डी टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जहाँ पर लिखा है टेल द स्टूडेंट्स दैट द डॉट्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट टू राइट द नंबर, कि आपने बच्चों को बताना है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, एंडिंग पॉइंट कौन सा है, किस तरह से आपने फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए नंबर्स को लिखना है। Help the student to recognize the practice number 13 by writing on their slate, notebook और तख्ती। जिस तरह से मैंने आपके सामने स्लेट के ऊपर लिखा है, वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा है, सैंड ट्रे के ऊपर लिखा है, ताकि आप बेहतर तरीके से उसको पहचान सके और लिखने के काबिल हो सके। Help the students to trace the number 13। आप बच्चों को ट्रेस करने में भी हेल्प करेंगे, क्यों? बहुत से बच्चे सिर्फ डॉट्स को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उनको राइट फॉर्मेशन की तरफ लेके आना है कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, एंडिंग पॉइंट कौन सा है और लिखने का सही तरीका क्या है। तो हम दोबारा से अपने फ्लैश कार्ड की तरफ आ गए। हम यहाँ पर काउंट करेंगे फिश, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 तक हमने इसको काउंट किया और ये है लिखा हुआ 13। अब हमें 1 से 13 तक काउंटिंग लिखनी भी आ गई है, पढ़नी भी आ गई है और अब हमें कोई ऑब्जेक्ट्स भी दे तो हम उसको काउंट भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। अब हम इस पेज के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हमें नज़र आ रहे हैं और कुछ नंबर्स लिखे हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हमें तो सारे नंबर्स लिखने भी आते हैं और पढ़ने भी आते हैं, तो क्यों ना आज हम इसकी प्रैक्टिस करें। तो चले आए इसको लिखना शुरू करते हैं। 1, 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। Very good। जी यहाँ पर हमने आज बहुत मजे से 1 से 13 तक काउंटिंग लिखना भी सीख लिया। डियर टीचर्स, उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आज हमने 13 को लिखना पढ़ना सीखा है और आज हमने बच्चों को 1 से 13 तक लिखने की प्रैक्टिस भी करवाई है। आज ही आप अपने बच्चों को गैलरी वॉक भी करवा सकते हैं, जहाँ पर आप ग्राउंड में लेके जा सकते हैं, उन जगहों पे जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, बच्चे उनको गौर से देखेंगे, काउंट करेंगे और अपनी जो उनकी लर्निंग है उसको रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना सीख लेंगे। बच्चे वहाँ पर लगे हुए ट्रीज को देखें, वहाँ पर पड़े हुए फूलों को देखें और उनको आपस में काउंट करके बताएं कि ये कितने हैं। इस तरह से
बच्चे सीखेंगे कि उनके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनका मैथ के साथ लिंक क्या बनता है। आप बच्चों को मज़ीद बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं, कैसे? हाँ जी, आप हमारी वेबसाइट का विज़िट करेंगे जो कि है www.gohar publishers.com। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत अच्छे स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान्स और बहुत ज़्यादा सारी वर्कशीट्स। उन वर्कशीट्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपने बच्चों की लर्निंग को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे साथ रहिएगा। खुदा हाफिज़।